बंधन ही संसार का नियम है। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कक्षा प्रथम के छात्र आपके समक्ष कृष्ण द्वारा कथित गीता सार की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जिसके लिए तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? हरे कृष्णा, तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। धन्य भारत, जब जब धर्म ज्ञानी यानी उसका योग होता है और अधर्म वृद्धि होती है, तब तब धर्म परिधान के लिए मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। धन्यवाद। आप संसार की हर एक चीज देखते हैं, अगर आपके अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। उसी प्रकार से दूसरों की बुराइयाँ तो देखता है पर अपनी बीते बैठी बुराइयाँ तो दिखाई नहीं देती है। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं। कर्म फल का कारण भी तुम नहीं हो। कर्म करते रहो, अकर्मेता में आसक्ति ना हो। धन्यवाद। कमला यानी माँ लक्ष्मी के नाथ।
भगवान को श्री कृष्ण के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ आकर्षित करने वाला अथवा विषम का प्राण एवं उसकी आत्मा। हम इन्हें सर्वपालक के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है सभी जीवों की रक्षा करने वाले। गिरी पर्वत अर्थात गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण सदैव मुरली को धारण करते थे, इसलिए हम इन्हें मुरलीधर भी कहते हैं। तो आपने देखा, बाल गोपाल श्री कृष्ण के कितने सारे नाम हैं। इसका अर्थ है जिसने जिस रूप में श्री कृष्ण को चाहा, उसी रूप में उन्हें पाया। वे इस जगत के पालनहार हैं, सभी की रक्षा करने वाले हैं। हम उनके आगे अपना शीश झुकाते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।